impression is the last impression. Sure, it is. His first impression can sway your mind and enigmatic side of the mankind. A person who is phenomenal in itself. A very good afternoon to one and all present here. Today, we are honored and special that we have with us renowned TV journalist and anchor Mr. Manoj Raghuvanshi. और उनको जो सत्य की कहानी बताएगा खुद
सत्य पे नहीं चलता होगा वो भी मेरे लिए उतना ही गलत होता है जितना कि एक गलत करने वाला। सो तभी मैं कहता हूं जर्नलिज्म इस समय ट्रॉमेटिक टाइम्स में है। टर्बस गो डाउन द स्पाइन व्हेन वन थिंक्स एंड वांट्स टू एस्टरटेन वेदर द पर्सन इज रियली अ जर्नलिस्ट और ए जस्ट a person parking for money. ऐसे traumatic times में हमारे पास कुछ leading lights है जैसे रघुवंशी जी है those who stand for certain values. दुर्भाग्य से 70 साल में पैसे जिसपे है वही value based हमें दिखने लगा और उसमें मैं नहीं मानता हूँ जर्नलिस्ट ने कोई चोरी की वो सोचता नेता भी चोर है मैं क्यों मैं चोर बनूं और अगर मैं अपनी बातों में किसी को फांस सकता हूं तो मैं उसी का कमा रहा हूं। रिसेंटली एक जर्नलिस्ट से मुलाकात हुई मैंने भी घर से उस समय जर्नलिज्म ही करता था तो मैंने कह दिया भैया आप तो ग्रेटर कैलाश में रहते हो ये इसकी देन है और जब मैंने 1996 में टीचिंग में आया मेरे तभी तनख्वाह तेरे से ज्यादा थी आज की तेरे से डबल है लेकिन ये क्या माया चलाई आपने कि आप जीके में रह रहे हैं और हम तो भैया अभी यहाँ आसपास में ही रह रहे हैं नाराज हो जाते हैं सच को कड़वाई होता है। सो कहने का मतलब है डोंट गो इनटू एवरीथिंग दैट इज पोल्स ऑन द टीवी चैनल क्योंकि पेव और ऑलरेडी लाइन ड्रा होती और ये लाइन ड्रा का इतना सिस्टम सिलसिला पुराना है कि कई चीजें हमें झूठ को भी सच्ची लगता है। वी नो दैट इट इज रॉन्ग एथिकली इट इज रॉन्ग सोशली इट इज रॉन्ग मॉरली इट इज रॉन्ग हिस्टोरिकली इट इज रॉन्ग बट वी एक्सेप्ट लेकिन आप जैसे उन आप जर्नलिस्ट से ये अपेक्षा नहीं ग्वालियर बड़ी Challenge things, reform things, and make new things. That's the way forward. मैं आपको आज की डेट में मैंने कहा traumatic times इस चीज की explanation करते हुए मैं कहा कह रहा हूँ कि जो एक खाका हमारे साथ था वो X and Y is intelligent because simply he or she comes on the TV channel. ये और आप खत्म हो गया किसने खत्म किया जर्नलिस्ट ने खुद खत्म किया न्यूज पेपर पढ़ते समय इंसान 10 बार सोचता है पता नहीं झूठ लिखा सच लिखा क्यों किसने खराब किया ये हमारे खुद की क्रिएशन इसमें कोई फॉल्स नहीं है। अगर कोई लीडिंग लाइट था उसको हमने रास्ता ही नहीं दिया क्यों ही वाज नॉट मैनिपुलेटिव और एक टाइम आया जर्नलिज्म में सिर्फ मैनिपुलेशन ही जर्नलिज्म दिखने लगा लोगों ठीक है। सो ट्रॉमेटिक टाइम से बाहर निकालने वाली लाइट जो है वो बड़ी जर्नलिस्ट की है। आज भी मैं सोशल मीडिया पे मैं आपको एक ऐसे हिंदुस्तान टाइम्स के एक अच्छे एडिटर की बात बताऊंगा मेरे फेसबुक पे उसने लिखा था कि यू पीपल यूज आर्मी फॉर योर सेल्फ इंटरेस्ट मुझे जो लगा मैंने अपना ऊपर लिख रखा मैं यू डिमोरलाइज द यूनिफॉर्म अब एक ही तरह है एक ही चीज है तो क्या दो अलग अलग इंटरप्रिटेशन है कि नहीं व्हाई शुड आई एक्सेप्ट यूर्स व्हेन आई हैव माय ओन वे ऑफ टेलिंग थिंग्स मेरा भी एक तरह है मेरा भी सुनो आपका मैंने सुन लिया आपने कह दिया आप आर्मी को यूज करना चाहते हो अपने कुछ इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ये एस्क्राइब टू मी say for example with right wing or left wing that is discretion ये तो ठीक है मैंने सुन लिया अब मेरा तर्क सुन मैंने तर्क लिखा कि आप इनको डिमोरलाइज करके जो आपका बिगर डिजाइन है उस डिजाइन को इंडिया में लाते आप मानोगे नहीं आई गॉट नियरली 50 to 100 क्लिक्स ऑन माई फेसबुक विद डिनाउंसिंग लैंग्वेज As if I had done a big crime. जब आपका कहना क्राइम नहीं है मेरा कहना क्राइम कैसे आप कहते हैं सोशलिज्म का मतलब है अमीर को गरीब करो मैं कहता हूं सोशलिज्म का माने है
सर्वे मुस्लिम नाम भवंतु, क्या मेरा गलत है? क्या तुमने इंग्लिश में मुझे बताया सोशलिज्म? ये सोशलिज्म हुआ, सर्वे मुस्लिम नाम भवंतु सोशलिज्म नहीं होता है। करो ना मेरे से तर्क करो। तो फिर आपको अभी एक जर्नलिस्ट की डेथ नहीं हुई, लोगों ने सर्टिफिकेट लिखी कि इसने ये कर लिया, किससे ये संबंधित है वो संबंधित है। आप जज हो क्या? आप जज हो, आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो क्या? ये माहौल कंट्री में पहले से ही डेवलप किया जाता है कि भाई हमने इस चीज को इस सांचे में डाला है और इसमें आज की डेट में हमारा मीडिया मोर और लेस फंसा हुआ है, इसलिए राइट पहले ट्राई की जाती है। YouTube पे आप देख लो कितने बड़े बड़े जर्नलिस्टों का और बड़े जर्नलिस्ट तर्क कुछ है ही नहीं। भाई आपकी मोदी जी से नहीं बनती ना बने, डेमोक्रेसी है, यू आर राइट, बट लिसन द लॉजिक फ्रॉम द अदर साइड आल्सो बिफोर लिसनिंग द लॉजिक। इफ यू जंप द वैन एंड से नहीं नहीं ये राइट विंग नहीं खत्म, भाई आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो, आप क्या हो? इसी तरीके से मैं आपको अनगिनत तर्क दे सकता हूं। मेरे पिछले 18 साल से मैं माय फर्स्ट आर्टिकल वाज पब्लिश्ड वे बैक इन 78 आर्टिकल, तब से कहीं ना कहीं साल में 10-15 आर्टिकल्स लिखता ही, और मुझे हमेशा लगता है जर्नलिस्ट इज इन्वेस्टिगेटिंग, ही हैज नॉट टू पास हिज फाइनल असेसमेंट, चाहे वो राइट का हो चाहे वो लेफ्ट का हो, ताकि वो इकट्ठे करके लोगों के सामने तो रखे, तथ्य है नहीं। गूगल से आपने सर्च किया, 10 का देखा क्या लिखा है इन्होंने, उस लेख को आपने अपने वर्ड्स में चेंज करते प्लैगरिज्म से भी बाहर आ गया और अपनी नाम की कमाई की, अगर इसी को जर्नलिज्म कहते हैं। लेकिन जैसे हमारे चेयरमैन साहब बार बार कहते हैं, वी हैव होप्स फ्रॉम यू, इन्वेस्टिगेट, पुट द ट्रुथ अक्रॉस, whether it is good, whether it is bad, whether I like it, whether I don't like it. और अच्छे जर्नलिस्ट दुनिया में वही बने जिन्होंने सच्चाई का साथ, नहीं जो बिक गए ना उन्हें बस जीते के मैं मकान बना ले और कुछ नहीं आ सका। Believe me, मेरे साथ ही वो लड़का था उस समय, आज जीके में 2-3 मकान बना रखे बस पिछले 30 साल में उसके, ये कहां से आया बनवाते, क्या इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? ये फोर्थ स्टेट है, फोर्थ पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का, अगर फोर्थ पिलर अपनी मनमानी कर रहा है इस पे भी इन्वेस्टिगेशन करो, भैया तेरे पास ये पैसा कहां से आ गया? लेकिन पॉलिटिशियन डरा हुआ, क्यों पॉलिटिशियन डरा हुआ? उसे पता है मेरे तो 10 सामने में ये दिखाएगा मार्केट में, ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन का नौकर बना हुआ है, मोर और लेस इज लाइक दैट विदाउट without taking much of your time, I would like to say that there are leading lights who are torch bearers for us. One among them is Manoj Raghuvanshi ji and many others. Follow them, do good and do get something good from them. And after that also I say in prospect, think, rethink, come up with reality and that's your let the judiciary do its work. जैसे आप कई बार टीम में देखते हो खुद ही जजमेंट को पास करता है, अरे भैया तू कौन सा जज बना, कई बार इंसान को it shivers, shivering goes down the spine when one thinks, is he really a nonsense person? Is he the person whom we want to listen? तो कई बार अपने तरीके से introspection करना, हर चीज और हर चीज का समीक्षा करके लोगों तक कम्युनिकेट करना आपका काम है, और नई जनरेशन से ये अपेक्षा है विदाउट बायस ये आगे सच्चाई को प्रमोट करेंगे। विद दिस वर्ड्स आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। जोड़ी है और
हमारी एक बहुत मजबूत कड़ी है जिससे मिलकर एक आपकी यादों में कड़ी जुड़ जाएगी। अभी जैसे भट्ट सर ने बहुत अच्छी बात कही कि आज सबसे ज्यादा जो प्रश्न उठ रहा है वो पॉलिटिशियन से ज्यादा मीडिया पर उठ रहा है, मीडिया की विश्वसनीयता आजकल सवालों के घेरे में है। ऐसे में हम तमाम टीवी चैनल्स देख रहे हैं, मोर देन 700 और 900 टीवी चैनल्स आर प्रेजेंटली, लेकिन हम अगर भारत में टीवी चैनल्स के बैकग्राउंड में जाएं तो उसमें कहीं मनोज रघुवंशी जी हमें दिखाई देते हैं, जिस समय न्यूज टेलीविजन के रूप में वीडियो के रूप में नहीं आती थी, सिर्फ एक वीडियो सीरीज चलती थी जिसमें न्यूज ट्रैक इंडिया टुडे ने अपना एक प्रोग्राम शुरू किया था, न्यूज सिर्फ टेलीविजन पर आती थी बाकी नहीं आती थी, लेकिन वीडियो मैगजीन के जरिए धीरे 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 करके ये टीवी चैनल के शक्ल में बदले। और हम लोगों के बीच में आज मनोज रघुवंशी जी हैं, हु वाज द फर्स्ट टीवी जर्नलिस्ट विद न्यूज ट्रैक। सो आई थिंक बहुत जर्नलिस्ट के तौर पर और दूसरा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के तौर पर। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर। आज से करीब 10 साल पहले की बात है, मैं अपने घर जा रहा था, मैंने फोन मिलाया, बैकग्राउंड की आवाज आई, नहीं कुछ नहीं होगा, मेरे बेटे को किस चीज के साथ मारी गई थी, क्या नहीं हुआ, पता लगा कि मेरे बेटे को समझाया जा रहा था कि कल धरती नहीं बनी और कल हम सब नहीं मरेंगे, क्योंकि काय को धरती बनी काय को हम सब नहीं मरेंगे। बताया गया कि आज का त्योहार है, ठीक है, ये मां इंडिया टीवी का था ना, आज का त्योहार है, आज तक इतना अच्छा चैनल है कि मैं जब तक आँख से देख नहीं लूंगा तब तक यकीन नहीं होगा मैं घर पर मेरी बॉडी को ऐसी दूर जाऊँ और मैं घर पहुंचा। मैंने देखा वाकई में मतलब ऐसा था कल धरती नहीं टूटेगी क्वेश्चन मार्क, कल हम सब नहीं मरेंगे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क दीदी एक ऐसी ग्रामर की एक अदबी चीज है कि जब तक आदमी कम से कम आठवीं फेल ना हो उसको क्वेश्चन मार्क नहीं समझ में आता, मतलब आपको दैनिक जागरण अमर उजाला पढ़ने के लिए आदमी फेल होना जरूरी है ना, टेलीविजन न्यूज देखने के लिए आपको किसी फेल होने की जरूरी नहीं है, आप बिल्कुल मतलब क्या सच्चा सौ आगे उन्होंने ये वो भी फैल चला दी किसी की पढ़ाई होना क्या जरूरी है, तो टीवी न्यूज या साथ भी कभी बहुत ही देखने के लिए आपको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो क्वेश्चन मार्क समझना हर एक बुद्धि की बात नहीं है, कल धरती पड़ जाएगी क्वेश्चन मार्क, कल सब पड़ जाएगी क्वेश्चन मार्क, अब अगले दिन धरती तो नहीं बनी लेकिन जिसने आज यकीन कर लिया कि कल धरती पड़ जाएगी वो बच्चा आज होमवर्क क्यों करे, 24 घंटे रह गए उसका भी क्या बात, अच्छा जब 24 घंटे रह गए तो इस 24 घंटे में मैं कौन सा नोबेल प्राइज जीत लूंगी। एक लड़की ने एक गौरव सुन रही जैसे सूरत से एक स्टोरी आएगी प्लेग, लोगों ने भागना शुरू कर दिया, पता लगा प्लेग नहीं था, ये कल धरती पड़ जाएगी कल हम सब मर जाएंगे इसकी शुरुआत कहां से हुई मालूम है, एक आदमी ने बोला कि कल शाम को कुछ 5:32 पे मैं मर जाऊंगा, अभी तक वो खुद ही मर रहा था, तो सारे सारे कैमरा पहुंच गए ये कोई मरने वाला है मरने वाला है, आप सब लोग लाइव मौत देखने के लिए टीवी के कैमरा के सामने स्क्रीन के सामने बैठे हैं, तो एक आदमी मरने वाला है, तो टेलीविजन चैनल सिस्टम में कि अच्छा अच्छा यही देखना चाहते हो ले लो, अच्छा आप वो तो नहीं मरा
उसने बोल दिया कल मरूंगा, लेकिन कब कौन आदमी कब मरेगा ये केवल ईश्वर जानते हैं, इंसान नहीं जान सकता। वो कितने बड़े पंडित जी वो मौत के बारे में आपको नहीं बता सकते, वो मौत का कॉलम वैसे ही ब्लैंक होता है, पंडित जी के उसमें कुंडली में भी मौत का कॉलम वैसे ही ब्लैंक होता है जैसे सुभाष चंद्र बोस January 23, 1893 डैश ब्लैंक। Run by India Today.
July 89 was a time when people did not know or did not say, even those who knew did not say, that terrorism is actually going to erupt in the Kashmir Valley. People did not say it. I was the first journalist of the world to say it, not only say it in words, but to say it with audio visuals, to say it with evidence. Jamia Masjid Srinagar ke andar maine Hindustan ka chhanda jalte hue dikhaya, America ka chhanda jalte hue dikhaya. AK-47 rakh ke log muh pe mask pehen ke bol rahe hain ki haan, jo ladki pata nahi pehne ki goli maar denge. PG police, Gulam Durrani Pandit apne muh se bol rahe hain ki haan, hamare ladke across gaye hue hain PO ke, wahan pe training le rahe hain, wo wahan se training leke wapas aayenge aur yahan pe aatankwad karenge. जब आप कोई चीज ऐसी कह रहे हैं जो किसी और ने नहीं कही है तो सारी जिम्मेदारी आपको दी पड़ जाती है. जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अब आपको साबित करना है कि आपकी बात सही है. फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, वो नाराज थे और झूठ बोल रहे हैं. मनोज रघुवंशी को फौरन खत्म कर दो. वो आए राजीव गांधी प्राइवेट से मिले, हमारे एडिटर अरुण गुरी से उन्होंने शिकायत वगैरह वगैरह. खैर 5 महीने बीत गए. रुबैया सैयद हमारे होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद जो कि विजिटिंग प्राइम मिनिस्टर बने 2 दिसंबर 89 को, उसके 6 दिन बाद 8 दिसंबर 89 को हमारे होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी, मतलब एक बेटी तो इस समय चीफ मिनिस्टर है, दूसरी बेटी तो उस समय मेडिसिन पढ़ रही थी श्रीनगर में, उस बेटी को किडनैप कर लिया आतंकवादियों ने और उन्होंने कहा कि इसके बदले में ये 5 टेररिस्ट छोड़ो वरना हम इसको जान से मार देंगे. हमारी सरकार ने डर के मारे आतंकवादी छोड़ दिए 5. नतीजा ये कि उन आतंकवादियों का दिमाग खराब हो गया. उनको लगा कि अगर हम 26 जनवरी 1990 को ही दिसंबर नवाज की बात है, अगले महीने 26 तारीख को अगर हम 26 जनवरी को इस्लामिक कंट्री डिक्लेयर करेंगे कश्मीर को और ये कोई झंडा फहरा देंगे अपना और 2-3 इस्लामिक कंट्रीज ने अगर हमको रिकग्नाइज कर लिया तो मतलब एक नई शुरुआत हो जाएगी. अच्छी बात ये हुई कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीपी सिंह की गवर्नमेंट अगर सपोर्टेड बाय द बीजेपी एंड द कम्युनिस्ट पार्टी फ्रॉम द आउटसाइड, मतलब मुझे अजीब और चीज थी ये पीपी सिंह की गवर्नमेंट वीपी सिंह को सपोर्टेड बाय द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट एट द सेम साइमल्टेनियसली वाज सपोर्टिंग वीपी सिंह सेंट जगमोहन ही मेड श्योर नॉर्मलिटी. एक बड़ी भीड़ आ रही थी यूट्यूब पर, फायर भी किया वगैरह वगैरह, बट मीन वाइज द डैमेज हैड बीन डन. मीन वाइज मतलब 20 जनवरी की रात से जो एक सिलसिला शुरू हुआ हमारा, मतलब एक बहुत बड़ा तबका वहाँ का, मतलब 4 लाख से ज़्यादा लोग कश्मीर से जो कि कश्मीर पंडित थे, कश्मीर घाटी से या जम्मू रीजन में आ गए या दिल्ली आ गए या अमृतसर चले गए या हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में चले गए. बहरहाल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री दे माइग्रेटेड टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री टू सेव देयर लाइफ. मेनी पीपल डाइड, दे हैव टू लीव देयर होम्स. तो ये डैमेज हो चुका. अब इस कॉन्टेक्स्ट में अब आप उस इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी को देखिए जो जून 89 में की गई थी, जो कि पहली स्टोरी थी जिससे पहले कोई और स्टोरी नहीं की गई थी कि आतंकवाद फूटने वाला है, तो सारी जिम्मेदारी एक तो आपके सर पे आ जाती है. अब वो स्टोरी कहां से मिली आप, मतलब स्टोरी मिली कैसे मिली? मुझे एक आदमी ने टिप ऑफ दिया. ही वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन वर्किंग इन द यूएसआईएस यूनाइटेड स्टेट्स इन्फॉर्मेशन सर्विसेज. ही सेड कि यार कश्मीर वैली में आतंकवाद फूटने वाला है. तो मैंने उसे कहा कि यार तुम ही लोगों को बताना शुरू करो, अगर फूटने वाला है इसका मतलब तुम लोगों ने वहां पे कुछ ना कुछ बदमाशी किए ताकि आतंकवाद हमारे यहां फूटे. बोले यार हमने बदमाशी किए ही नहीं है, की है वो छोड़ो, तुम्हारा घर जलने वाला है, तुम अपना घर बचाओगे कि नहीं बचाओगे? अभी तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ो, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं गया, I met the then Minister of External Affairs, Mr. Dinesh Singh. I said कि क्या ये सच है कि कश्मीर के अंदर आतंकवाद उठने वाला है? I got a tip off.
ही सेड लव है, लव लव मतलब तूफान से पहले जो एक बहुत ही सन्नाटा होता है, बहुत ही शांति होती है, तूफान से ठीक पहले उसको लव हो गया, बोले लव मैंने मतलब ही सीन उठने वाला है तूफान से पहले। आई टॉक टू माय एनर्जी मधु प्रिया, आई सेड मधु दिस इज व्हाट आई हैव गॉट इज इट ऑफ एंड आई वुड लाइक टू डू स्टोरी। Some people in India today felt, some seniors of mine felt that, you know, maybe he's just exaggerating, maybe there's no story. But I insisted that Mahu, I should be given the opportunity. She sent me to the Kashmir Valley, I covered the Kashmir Valley at the grassroots level. Ab isme agla kadam kya hota hai, aapko ek platform mila, bolo aapko ek platform mila ki ye story hai. Somebody trusts you because he thinks that you are one, you are a nationalist, you are a patriot. So if they give you this story, then you will do a good job. दूसरे योर मीडियम इज गुड, इंडिया टुडे इज टेलीविजन मैगजीन न्यूज़ मैच द मीडियम इज गुड इट विल हैव रेडिएशन। द नेक्स्ट स्टेप इज टू ऑर्गेनाइज द स्टोरी, हाउ टू ऑर्गेनाइज एन इन्वेस्टिगेशन। आपको रिपोर्ट मिला रिपोर्ट सही है, आपको भरोसा हो गया रिपोर्ट सही है, बट नाउ यू हैव टू प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट, यू हैव टू डू द स्टोरी। सो आई कॉन्टेक्टेड अ फ्रेंड ऑफ माइन हूज नेम इज यूसुफ जमीली, ही इज अ जर्नलिस्ट is from Srinagar, so naturally he had roots in the valley. He put a chat, I mean he came and met me in my hotel. I called him up, I said I am coming to the valley, I am coming to Srinagar, so can I come and meet you, can I take your guidance and your help? He said fair, fair enough. So I said which is a good hotel and where should I stay? He told me a hotel, I went and checked it, he came and met me. He said okay, I am attaching something with you. He will take you around. अब देखिए जामिया मस्जिद के अंदर फ्राइडे आफ्टरनून की नमाज पढ़ने के बाद जो हंगामा हो रहा है जिसमें हिंदुस्तान का झंडा जलाया गया, मैं जामिया मस्जिद के अंदर चार आदमियों की टीम लेके, मतलब मैं रिपोर्टर, मेरा कैमरामैन, मेरा साउंड रिपोर्टर, इन दोनों कैमरा और साउंड के अलग अलग हुआ करता था ना, और उसके बाद मेरा लाइटिंग असिस्टेंट, कैमरा अटेंडेंट, चार लोगों की टीम लेके जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर एक ऐसे लोकेशन पे जहाँ से मैं पूरी मस्जिद को शूट कर सकूँ अंदर के अंदर, ये लोकेशन मुझे कैसे मिलेगा अगले साहब समी इन साइड। तो यूसुफ जमील का आदमी जो कि फोटोग्राफी का मीडिया में, वो मुझे लेके गया कल जो हूँ पे, उसने मेरा इंटरव्यू कराया, जैसे मास्क इस पे इस्लामी की मास्क मिनट जिन्होंने कहा कि जो लड़की को गोली वगैरह वगैरह। तो देन द नेक्स्ट थिंग इज टू डू द स्टोरी। तो अब आपने स्टोरी कर ली, अब आपने डी जी पुलिस ये वो सबका इंटरव्यू वगैरह करके विजुअल वगैरह लेके आप आ गए यहाँ पे, आपने मतलब वॉइस ओवर सब कुछ करके और आपने स्टोरी में पुट टुगेदर द स्टोरी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज उसका जो बैकलैश होगा वो झेलिए। तो आपको बैकलैश झेलने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला गुस्सा हो जाएगा, वो चाहेगा आप गिरफ्तार होने। तो आपको अपने कंधे इतने मजबूत रखने पड़ेंगे कि उसके बाद का बैकलैश भी आप झेल लेंगे। और ये तीन चीजें अगर आप कर पाएंगे कि पहले आप अच्छा टिप ऑफ ले लीजिए विच इज क्रेडिबल, ऐसा ना हो कि आप भटकते फिर यहाँ की गलियों में, दूसरे जब आप टिप ऑफ ले लें तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप अच्छे सोर्सेज का ये इस्तेमाल करें, सो दैट यू कैन डू द स्टोरी एंड देन व्हेन यू डू द स्टोरी सो दैट यू कैन झेलो ऑपरेशन झेलो द बैकलैश। ये तीन चीजें आप मन में बिठा लीजिए, दैट इज व्हेन यू विल बी एबल टू पब्लिश टू अ गुड इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी। एनी क्वेश्चंस? आई वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चंस सो दैट यू नो इंस्टेड ऑफ मोनोलॉग इट बिकम्स मोर ऑफ एन इंटरेक्शन सो दैट यू आर एबल टू गेट आंसर्स टू द पर्टिकुलर क्वेश्चंस दैट आर राइजिंग इन योर माइंड सो दैट आई एबल टू एड्रेस दोस पर्टिकुलर क्वेश्चंस इन जस्ट गिव अ मोनोलॉग। आप लोगों को मैंने कोई भी सवाल शेयर किया। व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट यूज के आप करियर जान गई एंड आफ्टर दैट थिंग्स यू पोस्टेड ऑन जून 1989 एंड देन इट वेंट यू नो लंप फॉर 5 मंथ्स एंड ऑल यू गॉट इनटू प्रॉब्लम एंड ट्रबल एंड ऑल बट व्हेन दैट थिंग केम अप इन ऑन 20th जनवरी 1990 देन व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट नो 28 जनवरी नो 20th जनवरी 20th of January, when Jagmohan fired and, you know, and the migration happened.
Then, you see, I did a story in July 89, or the first story that tells me good era. Then I did a story when Rubaiya was kidnapped, I did a story on the kidnapping of Rubaiya, and I went to Srinagar, downtown areas of Srinagar, Kohri Badal, Khana, Safa Badal. I saw the Indian tricolor being burnt again, and the crowd shouting, Indian dog, go back, Indian dog, go back, etc. So that was my second story, kidnapping of Rubaiya and the release of Rubaiya. And I said the entire city of Srinagar celebrated the release, not Rubaiya's, but of the militants. And then the migration began, the Kashmiri Pandits migration began. So when the migration began, I went again to the valley to do a story. So I went to Jammu, I interviewed Jagmohan, who was there, the governor. I interviewed Jagmohan. I said, now I want to go to the valley. He said, don't go to the valley, they will kill you. So I called up Madhu Prehan from the office room of Jagmohan's ADC, and I said, Madhu, although Jagmohan is asking me not to go to the valley, but I want to go to the valley because I want to see the original place from where the migration is happening. वहाँ क्या हालत है? जम्मू में तो हम उनके relief camps शुरू कर रहे हैं ना, लेकिन जहाँ से migrate किए हैं वहाँ पे क्या हालत है? तो I want to go to the valley and shoot. She said, go. तो पहले हम अनंतनाग चले गए. अनंतनाग में तो वहाँ कर्फ्यू लगा था, तो आसानी थी, मतलब वो कर्फ्यू पास कर गया, चले गए शूट कर लिया. अब मैं एक जगह गया शुभैया साउथ कश्मीर में. तो आइडिया ये था कि रामबन नाम से एक जगह है, वो बिल्कुल एकदम मतलब जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन की उस पर एज पे है. तो रामबन में स्टे करेंगे, सुबह चेकआउट करेंगे, जितना घाटी का एरिया घूम के वापस आ सके वापस आ जाएंगे. सो दैट यू नो बाय नाइट बाय सनसेट वी आर एबल टू कम बैक टू द सिक्योरिटी ऑफ द जम्मू रीजन. अब वो शोपिया में हम लोग कर अटैक, तो दो बार अटैक हो गया. भीड़ जो थी वो ऐसे ही बेकाबू थी, मतलब किसी ने भड़का दिया, लग गई ये शिवसेना से. अब भीड़ जो है वो चार सौ आदमी भीड़ घेर लिया शिवसेना. ये वीडियो कैसे मैं इंडिया पुलिस, ये कैमरा है, ये है, वो है, तुमको थोड़ा सा लगा था ठीक बोल रहे. तो छत के ऊपर गया, वो एम्बेसडर था, उसके छत के ऊपर एक तोप टाइप चीज होती है, जैसे कि इसका ट्राइपॉड रखने के लिए ना, एक सिलेंडर जो होता है बड़ा सा, और वो सिलेंडर ऊपर रखा हुआ था, सिलेंडर थी मतलब केस. तो ये क्या है? अब डिप्टी कमांडर से खोल लिया, ये क्या है? मैंने कहा ये वो ट्राइपॉड रखने के लिए खोल दे रहा. तो हमारे राइटिंग अटेंडेंट था, वो सब्सिक्वेंटली बिकेम अ कैमरामैन इन आज तक एंड हैज रिटायर्ड रिसेंटली इन जगमोहन. मैंने कहा जगमोहन जरा बोल, जगमोहन कौन है? मैंने कहा ये वो नहीं जो हमारा जगमोहन है, वो जगमोहन गवर्नर है, उनको गुस्सा था जगमोहन से. तो खैर जगमोहन ने कोटी दिखाया, उनको तो सलूट. आप यहाँ क्या करने आए? मैं कश्मीर पंडित से बात करने आया था कि वो यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, क्या बात है माइग्रेट कर रहे हैं, क्या हालत है, उनके हालात क्या हैं. चलिए आपको लेकर चलते हैं कश्मीर मोहल्ले में, तो एक भटपुरा करके वहाँ पे भट मतलब भटपुरा मतलब भटपुरा करके जगह ले गए. तो साहब यहाँ पे 119 फैमिलीज थी, 19 फैमिलीज पार्शली बची, 100 फैमिलीज माइग्रेट कर गई. तो जो बचे हुए थे उनसे मैंने इंटरव्यू किया. आप बेचारे इंटरव्यू देने में डर रहे हैं क्योंकि साथ में मतलब चारों तरफ घेरा हुआ हमको. तो अब तब तक मैं एक जीप आई, वो जीप मुझे क्या पता क्या थी, मैं तो इंटरव्यू कर रहा हूँ, अंधेरा हो चुका था. तो हमारा वो जो प्लान था कि हम अंधेरा होने से पहले पहले हम रामबन पहुँच जाएंगे, वो प्लान तो मिसफायर हो गया क्योंकि वो पहले फील्ड खेल लिया तो उसमें टाइम लग गया. वो भीड़ से भी जान कैसे बच गया आपको बताऊँ, मतलब दो बार हमारी जान बची उस दिन. व्यू से हमारे ड्राइवर की समझ बूझ की वजह से जान गई, हमारे ड्राइवर को पकड़ के ले गए पूरी में पहली बार ही. तो ड्राइवर से उन्होंने पूछा कि यार ऐसा नहीं तुमको छोड़ देते हैं. अच्छा ड्राइवर मतलब जम्मू की टैक्सी थी, तो फिर नंबर भी जम्मू का लिखा हुआ था, तो वैसे ही पढ़ा देते जम्मू का नंबर देख के ड्राइवर. अच्छा अब इसमें ये था काफी तगड़ा सा मुश्किल, उसने कहा चलिए आपसे हम पूछताछ करेंगे फिर आपको छोड़ देंगे. अब दोनों तरफ भीड़ लगी हुई है, औरतें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं उसके अंदर. अब मैं उस भीड़ भीड़ में जा रहा हूँ, देखा दूर ड्राइवर खड़ा हुआ है. वो ड्राइवर के चेहरे पे एक्सप्रेशन था, मैं क्या बताऊँगा, मतलब चेहरा मेरा भी सफेद था, चेहरा उसका भी सफेद था.
लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा भाव था कि बेवकूफ गधे, तेरे को बताया था कि ये खतरनाक इलाका है, मैं तेरे से कहता जा रहा था कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, तू कहता था चल थोड़ा चल जरा सा मरवा दिया, तू भी मरा मैं भी मरा। अब मैं उस हालत में जितनी सांत्वना दे सकता था मैं जो ये कह सकते अच्छा अब उस भीड़ के अंदर से मैं जा रहा हूँ, मेरी पूछताछ होगी, जगमोहन ने पहले पूछ दिया था कि हम मतलब मैं तो तुम्हारा करूँ बचाओ बातेंगे। अब अगर जगमोहन के पास ये मैसेज गया कि गवर्नर साहब ये आपके चार आदमी हमें पकड़ लिए इनको छुपाना है तो पाँच आदमी हमारी छूटी, जगमोहन बड़ा जा रहा है मैं नहीं छूटूंगा तो मैं तो बढ़िया। अब मैं भीड़ के बीच में से जा रहा हूँ, दोनों तरफ लोग खड़े देख रहे हैं, मुझे बचपन की बात याद आई, मेरी मम्मी एक कहानी सुनाई करती थी कि अफ्रीका में कुछ ऐसी ट्राइब होती है जो इंसान को जान से मार के खा जाती है और इंसान को उल्टा लटका देते हैं, नीचे से आग जलाते हैं, बच्चा अपने डांस करते हैं। मुझे मम्मी याद आई और डर लगा कि अभी मुझे मारेंगे और फिर मुझे मतलब जो भी ईश्वर के पास है उन्होंने पता नहीं मतलब बाद में मुझे पता लगा उसमें तो समझ ही नहीं आया क्या हुआ। उन्होंने ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर से कहा कि सच था ये लोग शिवसेना से हैं कि नहीं, ड्राइवर ने सूझ पूछ दी थी तो अली बाबा में जो मकानी थी बचाने जो उसकी सूझ पूछ थी वो ही सूझ पूछ ड्राइवर की थी। ड्राइवर ने कहा कि सर आप लोग कुछ सोचिए, क्या शिवसेना अपने चार मेहनते आदमी आपके बीच इस तरह से नहीं देगी। जो बुजुर्ग लोग थे उनके बात समझ में उन्होंने नहीं मुझे। अच्छा अब हम गए अब भटपुरा पहुंच गए, अब भटपुरा में जब शूटिंग चली रही थी तब तक में अंधेरा हो गया तो बैटरी लाइट थी उन दिनों, बैटरी लाइट की बैटरी भी कम हुआ करती थी, 14 मिनट की बैटरी लाइट वो भी पता लगा कि कितनी देर चलेगी कितनी देर नहीं चलेगी। अब बैटरी लाइट में अंधेरे में शूट करने घर के बाहर खड़े होते तब तक में एक जीप आती होगी, अब मुझे क्या पता क्या जीप है यार, अब उस जीप में नंबर प्लेट है नहीं, मुझे क्या पता अंधेरे में मुझे नंबर प्लेट नहीं दिखाई देती, एक जीप आती होगी उसमें से कुछ लोग उतरे एक पुलिस वाले उतरे उनका साहब एसएसपी साहब थाने में आपका इंतजार करते हैं कि हम आपको स्क्वाड करके निकालने जाते हैं। मैंने कहा यार मेरा इंटरव्यू पूरा हो जाए क्योंकि आपको चलिए ना अब चले गए। अब जब हम बैटरी चलने लगी तो मैंने कहा यार मुझे थाने का रास्ता नहीं पता तो आपने इसको थाने का रास्ता बता दें। एक उसमें आदिल फारूक नाम का लड़का था वो हमारी गाड़ी में बैठ गया, मुझे कहा चलिए मैं आपको रास्ता बता, सामने से ब्रेक भी लगी आपकी बार उन्होंने घेर लिया और अगली बार उनका बिल्कुल ही तेवर बहुत ही आएगा बस। कोने में हमारा कैमरा लगा हुआ था मतलब इस वाले कोने में इसलिए किसी
किसी का रास्ता रुकेगा तो कहता है यार मैं हमने कहा पहले सही होगा अगर उन दिनों ऐसा नहीं होता था जैसे ये है ना कि इसी में कैमरा की इसी में साउंड की सब ए बी जगह ऐसा नहीं होता था उन दिनों कैमरा के साथ एक केबल होता था और केबल के साथ एक साउंड रिकॉर्डर होता था रिकॉर्डर के अंदर कैसेट होता था और दो लोग अलग एक आदमी कैमरा लेके चलता था एक आदमी रिकॉर्डर लेके चलता था और दोनों चीज़ों को केबल से कनेक्ट करा जाता था अब क्या हुआ कि भीड़ के अंदर से पाँच छः लड़के उठे और लाठी लेके गाँव के अंदर चले गए पीछे गाँव था और सामने पूरा मैदान था गाँव का एक हिस्सा हमारे बैठे थे एक हिस्सा होता हम तो नए गाँव में हमें क्या पता ये वाला हिस्सा कौनसा वो हिस्सा कौन सा हमारे तो मैदान था शुरू कर रहे थे पाँच छः लड़के उठे लाठी कंधे पर की हमारे गाँव पीछे हम हमारे पीछे जो माहौल के अंदर चले गए तो मुझे उनके चलने फिरने के अंदाज से ऐसा लगा था कि कुछ गंभीर बात है मैंने अपने कैमरा में सीखा आज मैं जामीन आ गया अपनी टीम में ऐसे क्या उसको स्वामी बोला था मैं तो स्वामी है ये लड़कों को उठने का अंदाज कुछ गंभीर है मतलब जैसे कुछ करने जा रहे हैं तो मैंने कहा कि यार अगर मान ली एक बार और उठे हैं लड़के अब की बार हम लोग ये शुरू बंद कर देंगे हम लोग इनके पीछे चलते हैं क्योंकि ये तो अंशना जहाँ जाए अंशना कोई चीज बोल रहा है तो वो हमारे पास छुपा गया Let's take this. What is happening here? अब जामी ने कैमरा अपने कंधे में ले लिया ट्राइपॉड से निकाल के अपने कंधे में ले लिया कंधे पे शूट करने में नॉर्मली क्या होता है कि क्योंकि शोल्डर उतना स्टेडी नहीं होगा ना तो शोल्डर से शेक करता है कैमरा दैट्स व्हाई इफ यू हैव अ लॉन्ग शू इट इज बेटर टू पुट इट ऑन अ ट्राइपॉड लाइक दिस कैमरा अदरवाइज कैमरा विल कीप ऑन शेकिंग तो उसने अपने कंधे पर ले लिया कि मोबिलिटी हो जाएगी अब कंधे पर लेके अगला जो बच उठा लाठियां लेके वो हमारे पीछे वाले ऐसे घुसा हम भी पीछे पीछे अब वो करते करते पूरे गांव का चक्कर लगा के बाहर इसी मैदान में निकल आया तो अब यहाँ तो उनके समाज पार्टी के कार्यकर्ता बैठे सुन रहे थे यहाँ कोई पंडित जी ठाकुर साहब रहेंगे तो साइकिल पर टेक लगा के उनकी बात सुन रहे थे उनको गुस्सा आया कि पंडित जी मैं सुन रहे हैं तो उन्होंने लाठी देख के दंगा के लाठी मार साइकिल वो लाठी के टकरा ही साइकिल के ऊपर तो जो भी सज्जन थे सो कॉल्ड अपने पास थे वो दौड़े उन्हें उन्होंने साइकिल गिरी वो गिरे उन्हें भागे मतलब वो सब मतलब प्राणियां न्यूट्रिशन आउट मतलब पूरी हो रही हो ही रहा था अभी तब तक मैं अजमल जामी दौड़ रहा लेकिन हमारा साउंड रिकॉर्ड इस था वो नहीं दौड़ा तब मार नदिया केबल बन गया अब अजमल जामी शूट तो कर रहा है लेकिन रिकॉर्डर नहीं जा रहा टीम बढ़ गई ना तो जामी पीछे दौड़ा करुणा को ले गया जामी पीछे वापस गया फिर केबल लगाया फिर करुणा दौड़ा क्या कर रहा है फिर जामी का फिर फिर केबल निकल गया जब तक केबल लगा और जब तक जामी और तरुण दोनों के दोनों साथ में मूव किए तब तक पता लगा कि वो जो लड़के पीछा कर रहे थे वो लड़के बहुत ही सेटिस्फाइड लोग उनके चेहरे को मुस्कुराते हुए लाठी लेके वापस आए हमको चाहिए था कि वो दौड़ा है और मिला क्या मुस्कुराते हुए आ रहे क्योंकि हमारा टीम वर्क ब्रेक कर गया था द कैमरामैन रैन फास्टर देन द साउंड रिकॉर्डर्स एंड द केबल ब्रोक लूज सो Remember one rule in television. When you are doing television, you are doing teamwork. You cannot function as an individual, you have to function as a team member, and that is why you must develop team spirit so that you are able to deliver. Any questions? Sawal. देखिए आपको पत्रकार बनने जाना आप लोगों के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी चाहिए You should be bubbling with curiosity. आपके अंदर सवाल, they should surge within you. Questions should surge within you. Should be difficult to control you. इतने सारे सवाल आ रहे हैं मतलब इतने टेंशन पहले ही वहाँ हैं. आप बस सवाल ही पूछ रहे हैं. हाँ, बिल्कुल. अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करूँ? नाम नाम. सांतक गोस्वामी नाम है मेरा. सॉरी, अच्छा एक एक चीज ध्यान रखिए. आप सॉरी आई इंटरप्टिंग यू बट योर क्वेश्चन आप जिस पे आप कर लीजिए कोई दिक्कत देखिए आप लोग कम्युनिकेटर्स हैं आपकी प्राइमरी नीड है दैट यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट अगर हम लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो हम लोगों को दुनिया से कम्युनिकेट करने का अधिकार क्यों मिले आपकी बात अगर मैं नहीं सुन सकता या आपकी बात पीछे बैठे को लोग नहीं सुन सकते कोने में तो फिर आपको आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उसमें कम्युनिकेशन के मार्ग में वैसे ही बहुत सारी बाधाएं आने वाली हैं पहली बार ये आई थी जब आप सड़क पर बीच में कैमरा कर रहे हो डंडा पकड़ के तो आप कहेंगे मैं आपका नाम
सार्थक तो मैं सार्थक आज तक आप बोलेंगे मैं सामने गाड़ी जा रही होगी क्योंकि आपको देखने के लिए भीड़ लग जाएगी, आप सड़क के किनारे खड़े होंगे किस कैमरा कर रहे होंगे, लेकिन क्योंकि कोई चीज हो रही है उसको देखने के लिए भीड़ लग गई, भीड़ में थोड़ी सड़क चली, अब जो गाड़ियां जा रही हैं उनको लगा कि यार इनको हटाने के लिए हॉर्न बजाया जाए, तो सुनाई पड़ेगा मैं कौन आज तक। तो आपकी एक इन्विटेशन ये कि आप जिस लोकेशन से शूट कर रहे हैं उस लोकेशन पे कौन है, दूसरी प्रॉब्लम ये कि जब आप कमरे के अंदर दिखाई दे रहे हैं ड्रॉइंग रूम में बेडरूम में दिखाई दे रहे हैं तो वहां भी आप सिनेमा हॉल की तरह नहीं है, आप सिनेमा हॉल की तरह नहीं है, मतलब सिनेमा हॉल में क्या है कि साउंड इज अनऑब्स्ट्रक्टेड, डिजिटल साउंड सारे डिजिटल साउंड कर देते हैं एक साथ बूम बैंग बूम एकदम सब कुछ जाएगा भी तो भी सुनाई पड़ेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे जब आप ड्रॉइंग रूम में बैठ के टीवी देख रहे हैं तो कॉल बेल भी बजेगी, फोन भी बजेगा, बच्चा भी आएगा, मेल भी आ जाएगी, चाय बना लो, तो आपको मैं सार्थक आज तक बावजूद इसके कहना है तो आपकी आवाज मुझ तक बुलंदी से पहुंचनी चाहिए बावजूद इसकी क्या आपको हमारी नहीं। अब सवाल पूछता हूँ सर, मुझे ये पूछना था कि जब आपने 1989 में वो कश्मीर वाली स्टोरी थी जो आपने क्रैक की तो तब आप एक जर्नलिस्ट थे जिसका एक रसूख था वहाँ पर, तो जैसे ही अगर आप स्टोरी है आपके पास पूरे स्टोरी का पैकेज आप समझते हो ब्रेकिंग न्यूज है, आप जाते हो आप अपने सीनियर्स के पास गए तो उन्होंने उस स्टोरी ब्रेक किया आपको प्लेटफॉर्म दिया आगे जाकर, मेरा सवाल ये है कि अगर हम अभी नए नए हम जाते हैं कोई स्टोरी इन्वेस्टिगेट करते हैं और हमारे पास एक तगड़ी स्टोरी है ब्रेकिंग न्यूज है, लेकिन अगर हम कोई अपने सीनियर के पास जाते हैं वो उसको ब्रेक करने को रेडी नहीं है, जैसे अपने वो समझता है कि हमारी स्टोरी इतनी क्रेडिबल नहीं है और हमारे पास इतने रूट्स भी नहीं है और हमको ब्रेक भी करनी है वो स्टोरी, तो हम कैसे करें, सीनियर रेडी नहीं है और हमारे पास प्लेटफॉर्म भी नहीं है। देखिए आपके दो आप सवाल का दो के दो सेंटेंस हैं, मैं दोनों सेंटेंस का अलग अलग जवाब देता हूँ, एक आपका सीनियर आपको पता नहीं दे रहा इसका जवाब एक है, आपका प्लेटफॉर्म नहीं है उसका जवाब दूसरा है, प्लेटफॉर्म को आप सबके पास होते हैं, आप लोग उस जनरेशन से हैं जब आप लोग प्लेटफॉर्म लेके पैदा होते हैं, मतलब आजकल यूट्यूब जैसी चीज आप सबको अवेलेबल है, आप लोग मोबाइल में बोल के भी अगर उसको अपलोड कर देंगे तो प्लेटफॉर्म आपके पास है, अगर चीज़ अच्छी है तो यही मानिए लोग देखेंगे वो सब वायरल हो जाएगी, मतलब अगर आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ अगर फैक्चुअली सही है देखिए आपके सीनियर को चिंता क्या होती है, मान लीजिए हमने न्यूज़ चला दी और मान लीजिए न्यूज़ छुट्टी नहीं हुई तो मतलब आपको अपने सीनियर को पहले तो ये कन्विंस करना पड़ेगा कि साहब मेरे पास फैक्चुअली मैं फैक्चुअली करेक्ट हूँ ये मेरे पास बुनियाद है, अगर आप अपने फैक्ट की बुनियाद साबित कर सकते हैं तो यही मानिए, अगर आपका सीनियर एक बेसिक तो इंस्टिंक्ट रखता है पत्रकार का, कौन एक्टर होगा जो ये नहीं चाहेगा कि उसके पास ब्रेकिंग न्यूज हो ताकि उसका चैनल देखा जाए ताकि उसकी वाहवाही हो, अल्टीमेटली आपकी वाहवाही से ज़्यादा एक्टर की वाहवाही होने जाती है, तुम्हारा चैनल नंबर वन है ना, मतलब जब कोई ये कहता है कि जी न्यूज नंबर वन हो गया या इंडिया टीवी नंबर वन हो गया आज का नंबर वन हो गया तो कोई ये नहीं कहता कि सार्थक टेलीविजन नंबर वन हो गया, बहुत सारे सार्थक हैं वहाँ पे वो सीधे सीधे बोलते हैं रजत शर्मा टेलीविजन नंबर वन हो गया, अरुणी करी टेलीविजन नंबर वन हो गया, तो सार्थक न्यूज करेगा सार्थक की ब्रेकिंग न्यूज होगी फैक्चुअली करेक्ट होगी क्रेडिट टू चैनल को लेना, एनी चैनल विल वर्क इट्स सॉल्ट विल नेवर प्रिवेंट यू फ्रॉम डूइंग अ स्टोरी व्हिच इज फैक्चुअली करेक्ट एंड यू कैन प्रूव इट बिलीव मी ऑटोमेटिकली, आपको मतलब देखिए एमएस धोनी आपने फिल्म देखी होगी शायद, एमएस धोनी को वगैरह हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, सबको फेस करने पड़ते हैं, मुझे भी करने पड़ते, लेकिन अल्टीमेटली एक आदमी स्कोर बना रहा है रन बना रहा है, कितनी देर तक उसको कौन रोकेगा, ट्रिपल सेंचुरी बना रहा है, कैसे वो आदमी सेलेब्रिटीज की दीवार में नहीं आएगा मुझे बताइए, क्यों नहीं आएगी आपके पास बिल्कुल नहीं सवाल। सर अगर आप एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी कर रहे हैं बट इट्स अगेंस्ट समवन हु इज वेरी पावरफुल देन यू एंड हु हैज अ पावर टू मींस गेट यू नो ही हैज अ पावर ओवर यू सो हाउ डू यू गेट टू क्रैक द स्टोरी बिकॉज ही इज अ पावरफुल पर्सन। देखिए आदमी कितना भी पावरफुल हो वो आपके चैनल के अंदर उसकी कितनी पहुँच है इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी स्टोरी चलेगी कि नहीं चलेगी, अगर कोई पावरफुल आदमी आपकी स्टोरी को चलने से पहले रोकने की बात आ रही है, लेकिन अगर आपकी स्टोरी चल गई तो वो बिल्कुल हो सकता है,
आपके दो डर हैं, आपका पहला डर है कि आपकी स्टोरी चलेगी कि नहीं चलेगी, मतलब कहीं स्टोरी चलने से पहले तो नहीं रोकेगा। आपका दूसरा डर है कि अगर स्टोरी चल गई तो स्टोरी चलने के बाद तो आपसे गुस्सा हो जाएगा और बदला लेगा। आपका पहला डर ये है कि हर आदमी इतना पावरफुल नहीं होता कि चाहेंगे अगर उसकी स्टोरी होगी, मोस्ट पीपल विल नॉट बी एबल टू डू दैट। द सेकंड थिंग इज दैट अगर मान लीजिए वो पावरफुल है आपसे गुस्सा हो गया तो फिर वो बदला लेगा। यकीन मानिए मैंने भी सोचा था आपकी तरह, मैं भी कभी आपकी उम्र का नौजवान हुआ करता था और मैं भी डरता था जैसे आप डर रहे हैं, तो मुझे भी डर लगा था जब मैंने कल्पनाथ राय नाम के एक राजीव गांधी के पावर मिनिस्टर को इंटरव्यू किया ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पोर्ट्स। पोर्ट्स में दलाली मिलने की चौंसठ करोड़ में राजीव गांधी के इल्जाम लगा था, उसमें राजीव गांधी चुनाव भी हार गए थे। तो कल्पनाथ राय ने मुझसे कई सारी चीजें कही जो कि मैंने दिखा दी। उसमें एक डायलॉग था और मुझे लगा कि मैंने इतना खतरनाक डायलॉग कैरी कर लिया कि कल्पनाथ राय मुझे जिंदगी बर्बाद ही करेंगे। राजीव गांधी इज लाइक अ डायमंड, please don't destroy this diamond, I appeal to you with folded hands. तो मैंने दिखा दिया, मुझे लगा कि कार्टून खींच गया जहाँ सा मैं वहाँ से करना था कि बहुत थका फजीयत हुई। पॉकेट सर्किट में लोग बात कर रहे थे, संडे मैगजीन, एक संडे नाम की मैगजीन होती थी आनंद बाजार पत्रिका की, उसमें एक तीन घंटे की स्टोरी आई जिसकी इसका पहला सेंटेंस ये था कि perhaps the best moment on Indian television was when Manoj Raghuvanshi asked Kalpana Rai this and he said this. मुझे लगा कल्पना राय गुस्सा हो गई। तो मेरे कुछ संगी साथी थे उस ट्रैक में, उन्होंने कहा कि कल्पना राय को उंगला है, मैंने कहा यार नहीं भी नहीं आएगा, क्या राय चाहूँगा यार हमारे उंगला के देखते हैं आएगा आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा मिला बाकी सही है फोन मिला लिया। अनाउंस किया कि मनोज रघुवंशी की बात करना चाहता हूँ। विद इन 30 सेकंड्स द मैन वाज ऑन द लाइन। मनोज जी कैसे हैं आप? क्यों आप समझ रहे हैं कि आपने डिस्कशन कर दिया वो आदमी बेहोश हो गया? आपको हमको कोई डिस्कशन करते हैं हम लोग की मुझे बेहोश होना है, ये बात सही है क्योंकि हम लोग कैपी शॉप नहीं है, हम लोग बच्चे लोगों के साथ डिस्कशन को क्या लाने। वो जो वर्ल्ड हेवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन हो गया ना वो सिर्फ डिस्कशन मारना नहीं जाता है, डिस्कशन खाना भी जाता है और वो आपका हमारा डिस्कशन नहीं खाता, वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन का डिस्कशन खाता है और फिर भी खड़ा रहता है। आप समझ रहे हैं कि गीता जी हिल गए आपकी स्टोरी से? बहुत मजबूत बचाओगे, बहुत मजबूत था सारी दुनिया लिमिटेड है। एक लिमिटेशन उनकी ये है मैं मानता हूँ
लेकिन ऐसा नहीं है कि हम भी वो बहुत ज़्यादा ग्लोबल नहीं, हम भी तो हिंदुस्तान की खबरें ज़्यादा दिखाते हैं। 9/11 तो देखिए 9/11 की बात अलग है, 9/11 तो सबने मजबूरी में दिखाया, बिकॉज 9/11 वाज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन ओसामा बिन लादेन गेव अ लेक्चर डेमोंस्ट्रेशन ऑन व्हाट इज जिहाद। पूरी दुनिया को जो बाकी लोग बेचारे समझा समझा के पसीना निकल गया था, उनकी कोई समझा नहीं पा रहा था, ओसामा बिन लादेन ने फ्री में आपको समझा दिया कि ये है जिहाद। उसने ऐसा दिखाया, मतलब मैंने तो इस सब जगह वो व्हाट्सएप सब जगह लिंक को लगा रखी ये याद रखो इसको भूलना मत। तो 9/11 ऐसी घटना थी क्योंकि जिसके बाद अमेरिकन टेलीविजन जो कि बहुत ही कमर्शियल है, ABC, CBS, NBC, मतलब उनके टेरेस्ट्रियल चैनल्स, वो भी मतलब कोई भी ऐड नहीं दिखा रहा था। मतलब कम से कम 36 घंटे तो मुझे याद है 36 घंटे तक कोई ऐड नहीं आया किसी भी चैनल के ऊपर, कोई ऐड नहीं आया था। तो मुझे इतनी बड़ी बात थी कि मतलब मैं भी अपने बच्चे को लेके पीडियाट्रिशियन के पास गया हुआ था, कोई उनको वैक्सीनेशन लगना था, उसके नेत्र ने आकर बताया कि ऐसे ऐसे WDC ने जहाज पकड़ा दिए और पेंटागन पे टकरा दिया। उनको इमीडिएटली उनका क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऐसा है कि उनमें सोचने में जाने की गुंजाइश नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ कलहार जो जहाज गया था ना, कलहार मतलब क्रिसमस ईव 1999 ICA पर फोन जो हमारा वो हुआ था, हाईजैक हुआ था, वो अमृतसर लैंड कर गया और अमृतसर लैंड करने के बाद टेक ऑफ कर दिया और फिर कलहार गया। हमारे पास प्रोटोकॉल नहीं था कि हम सीधे टायर गोली मार दें। अटल बिहारी वाजपेयी हवाई जहाज में सो रहे थे, उनकी नींद खराब नहीं की थी। नतीजा 162 रूम छुड़ाने के लिए हमने मसूद अजहर छोड़ दिया और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जसवंत सिंह जाके छोड़ आए, रास्ते में गाली खाते हुए हैं और छोड़ के आ गए, पैसे वगैरह से दे दिए और आज हम मसूद अजहर को वापस जाने के लिए पसीना बहा रहे हैं। मतलब कैसे वापस जाएंगे यार, पाकिस्तान के अंदर सेंक्शन नहीं हुई उसको। तो मतलब वो एक 9/11 एक गलत बात थी, वो एक ग्लोबल बात थी और उसकी वो मैग्नीफाई इसलिए हो गई थी बिकॉज पेंटागन पे अटैक होने का मतलब नाउ द US विल टेक इट्स रिवेंज। जॉर्ज बुश को जब हवा उड़ा दिया तो जब वो दोपहर में 4:30 बजे लैंड किया वापस वॉशिंगटन में तो उसके बारे में क्या कहा, अब मैं आपको बताता हूँ। अब सोचिए कि जो हो रहा है वो जॉर्ज बुश ने जो कहा था उसकी नज़र में अब सोचिए क्या हो रहा है।